प्रियोद्यार्थियों, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। डीजीटी ने आईटी एनसीवीटी सीबीटी परीक्षा के लिए टाइम टेबल यानी डेट शीट है वो जारी कर दी है। 3 जुलाई 2023 से आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की स्टार्ट हो जाएगी, और 10 जुलाई 2023 से आपकी सीबीटी परीक्षा होगी जिसमें आपकी दो परीक्षाएँ होती हैं और एक साथ होगी, जिसके अंदर थ्योरी का पेपर होगा, ठीक है, और साथ में ईएस यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होगा। थ्योरी का जो एग्ज़ाम आपका होगा उसमें 38 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप टेट से पूछे जाएंगे, ठीक है, और 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के रहेंगे और 6 क्वेश्चन वर्क कैलकुलेशन साइंस यानी मैथ के रहेंगे, और 25 जो क्वेश्चन हैं वो रहेंगे आपके ईएस यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जो है हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के 20 क्वेश्चन करेंगे यानी 20 क्वेश्चन करेंगे निम्न पैटर्न के अकॉर्डिंग। एजीटी क्वेश्चन आपके जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो 6 क्वेश्चन आएंगे इन्हीं 20 क्वेश्चन के अंदर से 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूछे जाएंगे। ये जो 20 क्वेश्चन हम करेंगे ये आईटीआई की प्रथम वर्ष की जो ट्रेड है, ठीक है ना, एक ही साल का कोर्स है उन विद्यार्थियों के लिए रहेंगे, और जिन विद्यार्थियों का 2 साल का कोर्स है और वो प्रथम वर्ष की परीक्षा देंगे उन सभी विद्यार्थियों के लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे। इन्हीं में से आपके 6 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाई स्टेप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्रॉइंग शीट, सबसे बड़ी जो है ड्रॉइंग शीट कौन सी होती है। तो देखिए 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ए ऑप्शन में देखिए A0 की होती है, या बी में देखिए A1 की होती है, और सी में देखिए A2 की होती है, या A4 की होती है। सबसे बड़ी जो सीट जो होती है वो होती है आपकी A0 की। तो राइट आंसर रहेगा ए। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, विच फिगर इज हेक्सागन, ऐसा 4 डायग्राम दिखाए गए हैं जिसकी 6 भुजा होती है, तो भुजाएं हम गिन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, बी वाला रहेगा, ठीक है। इस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बारीकी से पढ़ना है, उसके बाद आप आसानी से आंसर दे सकते हो। 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे, विच इज रोलर बुर्च, रोलर बुर्च कौन सा है। तो देखिए सारे जो आपको जो चारों डायग्राम दिखाई दे रहे हैं इसमें रोलर कौन सा नजर आ रहा है, बी वाला आ रहा है, ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, रोलर बुर्च। रोलर बुर्च का काम क्या होता है, ठीक है, दीवार के ऊपर पेंट करने के लिए हमेशा रोलर बुर्च का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 4, विच इज द सिंबल ऑफ फिलेट वेल्ड ज्वाइंट, 4 प्रकार के ज्वाइंट दिखाए गए हैं, फिलेट का मतलब क्या है, कॉर्नर, ठीक है ना, तो राइट आंसर रहेगा इसका बी वाला। तो इसमें देखिए यहाँ पे कॉर्नर बना हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके की जो वेल्डिंग जो है वो कॉर्नर में की जाती है, तो इस तरीके का ये वेल्डिंग का ज्वाइंट यहाँ पे दिखाया गया है, तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग, ये जो डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे इसका आपको नाम बताना है, तो ये है क्या। तो देखिए कैप है, कैप तो ये नहीं हो सकता क्योंकि कैप के अंदर जो चूड़ियाँ जो होती है वो अंदर की तरफ होती है, इसके चूड़ियाँ कहाँ हैं, बाहर की तरफ, ये तो नहीं हो सकता। एल्बो, एल्बो भी नहीं हो सकता, एल्बो का मतलब है एल आकार का, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में कपलिंग है, कपलिंग भी नहीं हो सकती, और राइट आंसर रहेगा इसका डी, पलक। इसको हम क्या बोलते हैं, पलक बोलते हैं। पलक का काम क्या होता है, जहाँ पे पाइपलाइन को बंद करना हो, तो राइट आंसर रहेगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, विच व्यू इज ए ओबिडेंट ऑन द वर्टिकल प्लेन, तो डायग्राम समझने की कोशिश करिए, इस तरीके का कोई फिगर है, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, और ऐसे ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि वर्टिकल जो प्लेन जो होता है, ठीक है ना, वर्टिकल का मतलब खड़ी अवस्था में, ठीक है ना, ये खड़ी अवस्था में है और ये भी खड़ी अवस्था में है, तो इस भाग को क्या बोला जाता है, तो ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू, तो राइट आंसर रहेगा इसका ए। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7,
नेम द पार्ट मार्क एक्स, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कारपेंटर के अंदर प्रयोग किया जाता है, वैसे इसको क्या बोला जाता है, रंधा बोला जाता है कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स का निशान लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये लकड़ी का एक नीचे क्या है, एक ब्लेड है, ठीक है ना, और ब्लेड के ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा लगा हुआ है जहाँ पे एक्स का निशान लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं वेज्ड। वेज्ड का मतलब क्या होता है, फन्नी होती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ए। तो देखिए ट्रेड से संबंधित है क्योंकि टाउंटी क्वेश्चन है, जिस जिस जो जो ट्रेड होगी उससे रिलेटिव जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं, विच इज ए एल्बो, एल्बो इनमें से कौन सा है। तो देखिए एल्बो का मतलब क्या है, एल आकार का, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये क्या है, सॉकेट सा लग रहा है, ठीक है ना। तो देखिए एल्बो यहाँ पे मुड़ा हुआ है, ये देखिए, तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्बो। ये क्या है, ये रिड्यूसर है, तो ये एल्बो नहीं हो सकता। ये क्या है, आपका बैंड है, ठीक है ना, ये भी नहीं हो सकता। तो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बने इस तरीके से, ठीक है ना, वो क्या होता है, आपका एल्बो होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेम द सिंबल, इस सिंबल का आपको नाम बताना है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड या फिर इलेक्ट्रिशियन के अंदर ये पूछा जाता है, तो ये सिंबल है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, UJT, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये 20 क्वेश्चन है अच्छे तरीके से रीड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स, एक्स का जो निशान है कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा, ये भाग कौन सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस भाग पे क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए नर्लिंग, नर्लिंग किसको बोलते हैं, पीछे वाले भाग को बोलते हैं, इस भाग को नर्लिंग बोलते हैं, क्योंकि एक्स का निशान यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। उसके बाद में देखिए थ्रेडिंग, ठीक ना, थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो भाग जो है ये सेंक है, इसके ऊपर क्या कटती है, चूड़ी कटती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, बी, ठीक है ना, राइट आंसर रहेगा इसका बी। उसके बाद में देखिए स्लॉट भी इसके ऊपर नहीं कटी हुई, तो ये भी नहीं हो सकता, नेक, नेक भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या है इसका, बी। इस तरीके से हर क्वेश्चन को बारीकी से देखना है तो आप आसानी से उसका आंसर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 11 नंबर, आइडेंटिफाई द सिंबल, इस सिंबल का आपको नाम बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ओममीटर, ओममीटर का क्या है, ये सिंबल है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच इन NPN ट्रांजिशन का सिंबल आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच इज USB मेल कंडक्टर, ठीक है ना, मेल कंडक्टर आपको बताना है इनमें से। तो आप देख सकते हो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी। USB का मतलब है कि जो हम फोन जो चार्जिंग जो लीड जो होती है उसके आगे इस तरीके का बना होता है, तो ये मेल पार्ट है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, USB बोलते हैं। और इसके बाद में ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आइडेंटिफाई द सॉकेट स्पिनर, ठीक है ना, सॉकेट स्पिनर ये कौन सा है, सॉकेट स्पिनर, ठीक है ना। ये जो सॉकेट स्पिनर जो बताए गए हैं इनके अंदर देखिए यहाँ पे कुछ खांचे कटे हुए हैं इसके अंदर। तो इसमें किस तरह के खांचे और कितने पॉइंट कटे हुए होते हैं, जितने भी आपके स्पिनर जो होते हैं उसमें 12 पॉइंट कटे होते हैं और वो भी डीप के अकॉर्डिंग कटे होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, यानी 12 पॉइंट डीप। इसके अंदर जो दांते से जो कटे हुए हैं इसके अंदर, इनको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। डीप का मतलब गहराई के अंदर कटे हुए हैं। तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच इज द सिंगल फेस AC मोटर सिंबल। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी। तो इस तरीके का आपको सिंबल जो है याद करना है कि ये जो है AC मोटर का सिंबल है और सिंगल फेस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आइडेंटिफाई द टूल, इस टूल का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, स्क्रैपर नाइफ।
ठीक है ना। स्क्रैपर का मतलब क्या होता है, तो देखिए आगे का जो पॉइंट जो होता है, ठीक है ना, किसी चीज़ को होता है खुरचना, ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं स्क्रैपर को, खुरचना, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को हम इसके द्वारा खुरच सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द मटेरियल फॉर द गिवन ग्रेड ऑफ ए फास्टनर। इस ये जो फास्टनर जो लगा हुआ है यहाँ पे, इसका आपको मटेरियल बताना है भी कौन सा ये फास्टनर लगा हुआ है। फास्टनर किसको बोलते हैं, जितने भी आपके कलपुर्जे होते हैं, जैसे नट है, बोल्ट है, वार्सर है, ठीक है ना, तो ये क्या चीज़ हैं, ये आपके फास्टनर हैं। तो किसके बने होते हैं, अधिकतर कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रजिस्टर। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी। तो ये जो सिंबल जो होता है वेरिएबल रजिस्टर का, ये सिंबल होता है, तो राइट आंसर रहेगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच इज द सिंबल ऑफ रेपिटेशन ऑफ स्नैप हेडेड रिवेट। देखिए स्नैप हेडेड रिवेट क्या होती है, ये एक प्रकार का धातु का गोलाकार टुकड़ा होता है। कैसे होता है, इस तरीके से बना होता है, ठीक है ना, और नीचे की तरफ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके की ये रिवेट बनी हुई होती है, ठीक है ना। रिवेट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कोई भी सीट होती है उसको जोड़ने के लिए हमेशा रिवेट का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर जो रिवेट प्रयोग की जाती है वो हमेशा स्नैप हेड रिवेट प्रयोग की जाती है, और इसका सिंबल क्या होता है, ये है। तो राइट आंसर रहेगा ए। इसके अंदर भी देखिए एक सर्कल बना हुआ है, और सर्कल के बीच के अंदर देखिए यहाँ पे प्लस का निशान लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अधिकतर जो रिवेट प्रयोग होती है वो स्नैप हेड रिवेट प्रयोग की जाती है। तो राइट आंसर रहेगा ए। 20 क्वेश्चन करेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोस्टेड लाइन। तो देखिए कोस्टेड लाइन किसको बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो लाइन बनी हुई है, तो कोस्टेड का मतलब क्या होता है, समुद्री जो तल जो होता है, ठीक है ना, उसके अंदर जो बहाव जो होता है लहर का, वो इसमें शो किया गया है। तो ये जो बहाव जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको स्टेप नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। बहाव जो आपको दिखाई देगा समुद्र का, जैसे भी लहर का, तो एक बार ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी ना, तो वो क्या बन जाता है, एक स्टेप बन जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका ए, स्टेप कोस्टेड। तो प्रिय विद्यार्थियों 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ये जो 20 क्वेश्चन जो हैं, ये आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो परीक्षा होगी उसमें 6 क्वेश्चन इन्हीं 20 क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे, या फिर आपके ट्रेड से संबंधित कुछ टूल जो है, बेसिक से टूल हैं, वो आपके एक दो चेंज हो सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन जो है इन्हीं 20 क्वेश्चन के अंदर से आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन जो है आपको जरूर पसंद आएंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, क्योंकि इसी के अंदर से आपकी जो परीक्षा के अंदर 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।